मैं पूजा सिंह आप सभी का वाइफ लाइफ में स्वागत करती हूँ। चावल सबके घरों में बनता है। चावल खाने के बाद थोड़ा सा चावल बच ही जाता है। बचा हुआ चावल से यूनिक सा रेसिपी बनाएंगे जो बच्चे भी बार बार मांग कर खाएंगे। एक कप बचा हुआ चावल लेंगे, एक कप बेसन लेंगे, आधा कप आलू भुजिया मिक्सचर लेंगे, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ प्याज। बाउल में चावल डालेंगे, आलू भुजिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, मिश्रण का गोल गोल टिक्की बना लेंगे। इस तरह इसका टिक्की बना लेंगे। इस तरह सारे टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। गैस ऑन करेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है। एक एक करके बनी हुई टिक्की डालेंगे। इसे मीडियम आंच पर पकाएंगे। नीचे से सिकने के बाद इसे पलटेंगे। देखिए टिक्की ब्राउन होने लगा है। टिक्की को आराम आराम से पलटेंगे
टिक्की अच्छे तरह से सिक गई है, इसे अब एक एक करके निकाल लेंगे। इसे निकाल लेंगे। लीजिए, तैयार हो गए बचा हुआ चावल का टेस्टी पकौड़ी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।